हेलो एविएशन लवर्स गाइस, कैसे हैं आप गाइस? वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। मैं आप सबका स्वागत करता हूं मेरे नए ट्यूटोरियल एविएशन लाइफ में। तो गाइस, आज है संडे और आज मैं लेके आपके लिए बिल्कुल ही न्यू वैकेंसी, न्यू जॉब अपडेट और सबसे फास्ट जॉब अपडेट। गाइस, आज हम डिस्कस करेंगे विस्तारा एयरलाइंस के लेटेस्ट कैबिन क्रू वैकेंसीज के बारे में। गाइस, एक चीज और कि बहुत से लोग तो सबसे पहले ये बोलेंगे, नहीं, वीडियो को आगे बढ़ने से पहले आप मुझे ये बताओ कि क्या ये वैकेंसी फ्रेशर के लिए। ऑब्वियसली गाइस, दिस वैकेंसी absolutely for freshers. Now coming to next thing, a lot of people will ask ki nahi, aap mujhe pehle ye batao kya vacancy 12th pass walon ke liye. Obviously guys, this vacancy is absolutely for 12th pass students, those students who want to join airlines industry as a cabin crew. Now coming to next thing, bahut se log bolenge kya yaar, agar main 12th pass ho chuka hu, main graduate ho gayi hu ya ho gaya hu, ya kisi aur airlines mein ground staff ya cabin crew ki aisa kaam kar raha hu, ya kisi aur industry mein kaam kar raha hu, to kya main cabin crew ban sakta hu? ऑब्वियसली गाइज, आप एयरलाइंस इंडस्ट्री में कैबिन क्रू बन सकते हैं और आप एयरलाइंस इंडस्ट्री में ग्राउंड स्टाफ बन सकते हैं। लेकिन आज की जो वैकेंसी आई है, आज है संडे और डिस्कस करेंगे लेटेस्ट वैकेंसी के बारे में। नाउ डिस्कस करते हैं नेक्स्ट चीज के बारे में, वैकेंसी आई कब और कैसे पता चला मुझे इसके बारे में। गाइस, देखते हैं, वैकेंसी 10 तारीख को आई है, राइट? देख सकते हैं, वैकेंसी 10 तारीख को आई है और आज है 11 तारीख। इन द सेंस 12 बजे मुझे पता चल गया था चीजों के बारे में और 12 बजे में गाइस मैंने वीडियो बनाने का सोचा, लेकिन बज रहे हैं 2, देख सकते हैं आप। नाउ डिस्कस करते हैं वैकेंसी का, ये तो समझ में आएगी आपको कि 10 बजे वैकेंसी रिलीज हुई। तो यार देखो, सिंपल सा सीन है, अगर आप चाहते हो कि आपको जॉब के लेटेस्ट अपडेट मिलते रहे तो आपको करना है चैनल को सब्सक्राइब। जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ कि आप उनमें से हैं जिन्होंने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। भाई मेरे, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपको जॉब की अपडेट कैसे पता चलेगी? बाद में आप मुझसे पूछते हो कि नहीं, मुझे तो जॉब की अपडेट मिलती नहीं है। यार कैसे मिलेगी जब आपने चैनल को सब्सक्राइब ही नहीं किया है? तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है अगर आपको जॉब की सबसे लेटेस्ट और सबसे फास्ट अपडेट चाहिए। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट थिंग गाइस, देखो अगर आपको जॉब की, जैसे आज 10 तारीख है, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया है उनको सुबह 10:06 सुबह 6 बजे वीडियो दिख जाएगी। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है, जो बाकी जो है ना, कुछ हेटर्स भी हैं इसमें, है ना, तो यार अगर आपको वैकेंसी की अपडेट आपको बाद में मिलेगी, 4-5 दिन बाद मिली, तो यार फिर तो नौकरी चले गई हाथ से। तो नौकरी को पाने की, देखो एविएशन लाइफ ने हमेशा कोशिश ये करी कि आपको जॉब की जैसे फास्ट अपडेट मिले, और हमारा टारगेट ये नहीं कि आप जॉब के वीडियोस देखो। यार आपको जॉब दिलवाना हमारा फर्ज है, हमारा कर्तव्य है भाई। तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस करना है, और डेली रात के मैं कितने बजे, डेली रात के मैं 9 बजे लाइव आता हूँ, राइट? 9 बजे लाइव आता हूँ, तो आपको 9 बजे लाइव आना है और बहुत सारे डाउट्स पूछने हैं एयरलाइंस इंडस्ट्री के बारे में। समझ में आ गया? 9 बजे लाइव आऊंगा मैं। 9 PM है, 9 AM नहीं है ये, 9 PM। समझ में आ गया गाइस? ये सारी चीजें डिस्कस करते हैं वैकेंसी के बारे में, राइट? तो गाइस, ये वैकेंसी के बारे में पता कैसे चला, तो उसके लिए आपको गूगल में आना पड़ेगा। यहाँ पे आपको करियर विस्तारा लिखना है। जैसे आप करियर विस्तारा लिखेंगे, ये उनकी ऑफिशियल वेब पेज है, यहाँ पे आप आ जाएंगे। जैसे कि ये इनकी ऑफिशियल, तो आप देख सकते हैं अगर आप कैबिन क्रू बनेंगे तो ये जो है ऐसी यूनिफॉर्म रहेगी। नेक्स्ट चीज, बहुत से लोग बोलेंगे यार मेल कैबिन क्रू की वैकेंसी कब आती है, भाई हमें वो बताओ, हमें जाना गई। ऑब्वियसली यार, दिस वैकेंसी इज अप्रूव्ड फॉर द मेल, दोज पीपल, दोज गर्ल्स एंड बॉयज, दोज वांट टू बिकम कैबिन क्रू। देख सकते हैं गाइस, ये जो है फीमेल जो है और मेल दोनों की हायरिंग हो रही है। ये है मेल कैबिन क्रू और ये है गाइस फीमेल कैबिन क्रू, राइट? देख सकते हैं मेल फीमेल दोनों ही हायर करता है विस्तारा एयरलाइंस। तो जितने भी मेल फीमेल दोनों हैं, आपके लिए बहुत अच्छी ये अपॉर्चुनिटी है। नाउ करंट वैकेंसीज में जाएंगे, देखेंगे क्रू का ये फोटो देखेंगे, फिर यहाँ पे क्लिक मारेंगे तो दिख जाएगा लेटेस्ट कैबिन क्रू वैकेंसी के बारे में जो अभी आई हुई। तो देख सकते हैं कि ये जो वैकेंसी आई हुई, एक है बैंगलोर में और एक है गाइस मुंबई में, दो जगह न्यू वैकेंसी आई हुई। देख सकते हैं आप, बैंगलोर और मुंबई में वैकेंसी आई हुई है। डिस्कस करते हैं वैकेंसीज के बारे में, नहीं जाते हैं गाइस। तो यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि वी आर लुकिंग फॉर इंडियन नेशनल, तो ये सिर्फ इंडियन नेशनल्स की हायरिंग हो रही है, राइट? जो इंडियन है उन्हीं की हायरिंग हो रही है, राइट? बाहर के श्रीलंका, पाकिस्तान, नेपाल, गाइस सॉरी, आप इस जॉब के एलिजिबल नहीं है, राइट? पैन कार्ड होना चाहिए, आधार कार्ड होना चाहिए। नाउ कमिंग नेक्स्ट थिंग इज दैट कि ऐसे लोग की रिक्वायरमेंट है जिनके पास एक्सीलेंट कम्युनिकेशन स्किल हो, इंग्लिश और हिंदी दोनों ही अच्छी तरीके से आती हो। अब देखना, आप ऐसे बहुत से लोग बोलेंगे यार हमें तो नहीं आता इंग्लिश, तो यार डोंट वरी, राइट? हमें पता है कैसे आपको सेलेक्ट करवाना है। गाइस वीडियो को आगे बढ़ने से पहले बता दूं कि ये हमारी एविएशन लाइफ का वेब पेज है, सॉरी एविएशन लाइफ का इंस्टाग्राम पेज है। देख सकते हैं गाइस कि वी प्रोवाइड ऑनलाइन क्लासेस, हम लोगों को ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड कराते हैं। एंड एविएशन लाइफ इज एन एड टेक कंपनी विच प्रोवाइड ऑफर एंड ऑनलाइन क्लासेस घर बैठे बैठे, जिसमें आप घर बैठे बैठे इंटरव्यू तैयारी कर सकते हैं, इंटरव्यू क्रैक कर सकते हैं एज अ ग्राउंड स्टाफ एंड एज अ कैबिन क्रू। और अब तक हमने दिए गए 223 सिलेक्शन, जिसमें 6 कतर कैबिन क्रू। हमारी जो कोचिंग है वर्ल्ड की नंबर 1 ऑनलाइन कोचिंग है। समझ में आ गया? इस वीडियो को आगे बढ़ने से पहले चीज और बता दूं कि एविएशन लाइफ कंडक्ट कर रहा है सिर्फ और सिर्फ गाइस 99 रुपीज में वर्कशॉप कंडक्ट कर रहा है। तो अगर आप इस वर्कशॉप में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, जो कि कंडक्ट होने वाला 3 जो 15
सितंबर गाइस इस वर्कशॉप में मैं आपको सिखाऊंगा कैसे सीवी बनाते हैं, प्लस मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे एयरलाइंस इंडस्ट्री ज्वाइन करना है, डोमेस्टिक एयरलाइंस, इंटरनेशनल एयरलाइंस, कैसे ग्राउंड स्टाफ बनना है, कैसे क्रू बनना है, कैसे सीवी बनानी है, वही इंपॉर्टेंट है क्योंकि तो वही अभी अप्लाई करने का होगा, उसी में आप फेल हो गए ये मैं जानता हूँ। तो अगर आपको ये सीखना है तो गाइस आप एनरोल कर सकते हैं मेरे वर्कशॉप में, जिसकी लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। और अगर आप तब भी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, व्हाट्सएप नंबर इसमें आप मैसेज भेज सकते हैं, राइट, ये मेरा पर्सनल व्हाट्सएप नंबर है, वेबिनार के बारे में जानने के लिए आप मैसेज भेज सकते हैं, यहाँ पे हमारी टीम आपको लिंक भेज देगी ज्वाइन करने के लिए। तो गाइस फटाफट से मैसेज भेजिए, और डिस्क्रिप्शन में भी हमने दिया हुआ है वेबिनार की लिंक, तो वहाँ मैसेज वहाँ क्लिक करके आप तुरंत एनरोल कर सकते हैं हमारे वेबिनार में, राइट। तो वेबिनार 3 घंटे की होने वाली है, और इस 3 घंटे की मैं वेबिनार में बताऊंगा कैसे 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 आपको इंटरव्यू निकालना है और कैसे सीवी बनाना है, जो कि अभी आपको आगे जाके जरूरत पड़ेगी। गाइस देख सकते हैं कि हम लोग ऑनलाइन बैठे बैठे पढ़ाते हैं घर पे, राइट, ताकि आप घर बैठे बैठे इंटरव्यू निकाल पाएं। गाइस मेरे पास है 8 ईयर का इंटरव्यू एक्सपीरियंस, प्लस मैंने क्या क्रैक की है 6 ग्राउंड स्टाफ के इंटरव्यू और कैबिन क्रू का इंटरव्यू। प्लस अगर आप घर बैठे बैठे इंटरव्यू की तैयारी करना चाहते हैं तो गाइस एविएशन लाइफ इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म। आप देख सकते हैं कि हमारे स्टूडेंट्स ऑलरेडी, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कतर एयरवेज के इंटरव्यू क्रैक किए हैं, ग्राउंड स्टाफ के इंटरव्यू क्रैक किए हुए हैं, कैबिन क्रू के इंटरव्यू क्रैक किए हैं। तो अगर आप भी उनमें से बनना चाहते हैं और इंटरव्यू की तैयारी करना चाहते हैं सिर्फ बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल रेट में, इससे ज़्यादा अफोर्डेबल रेट में मार्केट में अवेलेबल नहीं है कोर्स, कोई भी कोर्सेज। और जो हैं देख सकते हैं हमारे स्टूडेंट जो है मेल कैबिन क्रू भी हैं जो आकाशा में काम कर रहे हैं, और अगर आप हमारे कोर्सेज ज्वाइन करेंगे तो मैं उन्हें मिलाने भी ले आऊँगा एक दिन के लिए, राइट। तो अगर आप ऐसी इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन चाहते हैं और जानना चाहते हैं हमारे स्टूडेंट्स के बारे में और भी ज़्यादा, जैसे देखते हैं बिरोनी ने क्रैक किया इंडिगो एयरलाइंस कैबिन क्रू का इंटरव्यू, देन अगेन इंडिगो एयरलाइंस ग्राउंड स्टाफ, तो हमारे सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने एयरलाइंस में ग्राउंड स्टाफ एंड कैबिन क्रू काम कर रहे हैं, और टोटल अब तक हमने दिए हैं टोटल 223 सिलेक्शन दिए हैं। तो गाइस अगर आप देख सकते हैं कैसे मैं स्टूडेंट्स को ऑनलाइन पढ़ाता हूँ, राइट, ये हमारे स्टूडेंट सेलेक्ट होते जाते हैं, स्पोकन इंग्लिश की भी क्लासेस चलती है, राइट। तो गाइस इस क्रैश कोर्स में आपको मिलेगा रिकॉर्डेड लेक्चर्स प्लस सीवी, प्लस आपको मिलेगा फ्री में मॉक इंटरव्यू। गाइस बहुत सारी एक्साइटिंग एक्साइटिंग चीज़ें हैं, लाइव क्लासेस हैं, रिकॉर्डेड लेक्चर है, चीज़ों को और ज़्यादा डीप में जानने के लिए। और अगर आप सीरियस हैं और एक बार जम के इंटरव्यू की तैयारी करना चाहते हैं गाइस, इसमें मैं आपको रेफरेंस भी दूंगा, प्लस गाइस मैं शेयर करूंगा सारी की सारी सीक्रेट स्ट्रैटेजी, सीक्रेट ट्रिक्स, सीक्रेट क्रक्स, ईच एंड एवरीथिंग मेरे 15 सितंबर के क्रैश कोर्स में। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं और अगर आपने ठान लिया है कि यार इस बार तो इंटरव्यू निकालना ही है, तो गाइस फटाफट से मैसेज भेजिए मेरे व्हाट्सएप नंबर पे, एंड यहाँ पे हमारे रिप्रेजेंटेटिव आपसे बात कर लेंगे, प्लस हमारे व्हाट्सएप मैनेजर हैं वो भी आपसे सारी की सारी चीज़ें डिस्कस कर लेंगे, कुछ भी इंफॉर्मेशन होगी आपको मिल जाएगी गाइस। तो फटाफट से मैसेज भेजिए अगर आप सच में इंटरेस्टेड हैं। तो डिस्कस करते हैं वैकेंसी के बारे में जो भी आई हुई है, राइट। तो इसमें ऐसे लोग के रिक्वायरमेंट जिनके पास पासपोर्ट हो, पैन कार्ड हो, आधार कार्ड हो, प्लस ऐसे लोग के रिक्वायरमेंट जिसकी कम्युनिकेशन स्किल बिल्कुल अच्छी हो। मिनिमम हाइट है गाइस 155 सेंटीमीटर फॉर फीमेल एंड 170 सेंटीमीटर फॉर मेल। मिनिमम एजुकेशन है गाइस 12th पास, एटलीस्ट 12th पास होना चाहिए, और गाइस मिनिमम 60% का क्राइटेरिया आपको सेट होना चाहिए। नाउ 12th पास ओनली फॉर फ्रेशर, तो यहाँ पे फ्रेशर्स की भी हायरिंग हो रही है, राइट। नो टैटू, नो मार्क, प्लस गाइस बीएमआई रेंज होना चाहिए वो 18 से 22 के बीच में आपका रेंज होना चाहिए फॉर फीमेल, एंड मेल का रेंज गाइस 18 से 25 का रेंज होना चाहिए। एलिजिबिलिटी को फॉर फ्रेशर इज मिनिमम एजेस गाइस 18 ईयर एंड मैक्सिमम एजेस गाइस 27 ईयर्स, देख सकते हैं आप। एक्सपीरियंस क्रू देख सकते हैं, ये एक्सपीरियंस क्रू की बात तो कर ही नहीं रहे गाइस, एक्सपीरियंस क्रू की बात करना ही नहीं, क्योंकि यार देखो आप फ्रेशर हो, मुझे पता है कि आप फ्रेशर हो, आपको प्रॉब्लम हो रही, तो गाइस मैं आपको सेलेक्ट करवाना चाहता हूं। तो गाइस आप समझ में आ रहा है आपको क्या करना है, आपको फटाफट से क्रैश कोर्स ज्वाइन करना है और टाइम वेस्ट नहीं करना है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन सिर्फ 12th पास है यार, अगर आप 12th पास हो तो यार आप इस जॉब के लिए एलिजिबल हो, सिंपल यार, आप इस जॉब के लिए एलिजिबल हो कि आप 12th पास हो, समझ में आ रहा है। मिनिमम है 60% लेके आना है, राइट। तो अगर 59.9% रहेगा तो भी गाइस आप एलिजिबल नहीं होगे। ओके यार देखो, जिनकी हाइट मैच नहीं कर रही, जिनकी कम्युनिकेशन स्किल उतनी अच्छी नहीं है, प्लस जो प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं बार बार सेलेक्ट होने में, तो गाइस आप हमारे क्रैश कोर्स ज्वाइन कर सकते हो, जिसमें मैं आपको बताऊंगा यार कि कैसे इंटरव्यू क्रैक करना है, आपकी हाइट कम है तो कौन सा इंटरव्यू बेहतर रहेगा, कि आपको कौन को किया। देखो एयरलाइंस में क्रू बनने के 4 से 5 तरीके हैं, तो आपको सिर्फ एक तरीका पता है। अगर आपको इस चीज़ों के बारे में और ज़्यादा जानना है तो गाइस हमारे क्रैश कोर्स रेडी हैं, फटाफट से मैसेज भेजिए एंड एडमिशन लीजिए। डिस्कस करते हैं नेक्स्ट
राइट और क्या, तो ये सारी की सारी ड्यूटी एंड जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो इसमें यार बहस नहीं करेंगे, बहुत ज्यादा ड्यूटी एंड जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। कैबिन क्रू मतलब फ्लाइट अटेंडेंट और एयर होस्टेस भी आप बोल सकते हैं। बात रही इनकी सैलरी की, तो गाइस इनकी स्टार्टिंग सैलरी रहेगी 35,000 रुपये फॉर फ्रेशर, और बढ़ के जाहिर सी बात है बड़ी 80,000 तक बढ़ जाएगी फ्यूचर में, बट स्टार्टिंग सैलरी जो रहेगी सिर्फ 35,000 रहेगी। और गाइस 35,000 एक फ्रेशर कैंडिडेट के लिए बहुत अच्छी सैलरी होती है, समझ में आ गया? तो ये चीज़ें हैं। ओके, बहुत से लोग बोल रहे हैं कि इसका इंटरव्यू पुणे में कंडक्ट होगा, तो यस इंटरव्यू पुणे में कंडक्ट हो सकता है, लेकिन आपको उतना नहीं सोचना, आपको सिर्फ फॉर्म भरना है बैंगलोर बेस का एंड सेकंड जो मुंबई बेस में है, तो आपको दोनों में से कोई एक फॉर्म भरना है जो कि मुंबई में देख सकते हैं। तो इंटरव्यू मोस्टली कंडक्ट गाइज पुणे में होने के चांसेस हैं इसके इंटरव्यू की। इंटरव्यू तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं इंटरव्यू निकालने, जैसे कि आप देख चुके हैं, अगर आपको कोई भी डाउट है तो फटाफट से कमेंट सेक्शन में पूछिए गाइज। एक चीज़ और, कुछ भी डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में पूछिए। और अगर आप सच में इंटरेस्टेड हैं, देख सकते हैं कैबिन को की यूनिफॉर्म, और इसमें सिख कैंडिडेट भी सेलेक्ट होते हैं गाइस। मैंने खुद क्रैक किए हैं 6 एयरलाइंस के ग्राउंड स्टाफ के इंटरव्यू और एक कैबिन क्रू का इंटरव्यू, प्लस मेरे जो स्टूडेंट्स हैं वो ऑल ओवर इंडिया प्लस इंटरनेशनल, दे आर वर्किंग एज अ ग्राउंड स्टाफ एंड एज अ कैबिन क्रू। तो गाइस अगर आप सच में सेलेक्ट होना चाहते हैं और आपने ठान लिया है, प्लस इस क्रैश कोर्स में आपको मिलेगा रिकॉर्डेड लेक्चर, लाइव लेक्चर्स, प्लस मिलेगा मॉक इंटरव्यूज, प्लस मिलेगा क्वेश्चंस एंड क्वेश्चंस के आंसर्स। बहुत से लोग बोलते हैं सैंपल क्वेश्चंस, यार सैंपल क्वेश्चंस तो वो होते हैं जो इंटरव्यू में शायद से पूछे जाएं, हम वो क्वेश्चन देंगे जो इंटरव्यू में पूछे ही जाएंगे, प्लस उसके आंसर्स, प्लस जी टॉपिक ईच एंड एवरीथिंग। तो इफ यू वॉन्ट अ प्रिपरेशन, इफ यू वॉन्ट अ शॉर्ट शॉर्ट सेलेक्शन गाइज, डू सेंड मी अ व्हाट्सएप मैसेज इन माई नंबर 7999508444 एंड हमारी टीम आपसे कोऑर्डिनेट एंड कॉन्टेक्ट कर लेगी। राइट, ये 4499 रुपीज की भी वर्कशॉप है। अगर आपको GD में सिग्मा बनना है तो ये 4999 रुपीज की वर्कशॉप भी ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि कल से ही चालू हो रही है, और एक 99 रुपीज का वर्कशॉप। तो तीनों की लिंक जो है गाइज हमारे जो है क्या बोलते हैं डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है। वर्कशॉप तो डायरेक्टली ज्वाइन कीजिए, इसकी लिंक जो है ऑलरेडी शेयर कर दी हमने, 15 सितंबर को जो चालू हो रहा है लाइव वर्कशॉप रहेगा राइट जूम में, तो मजा आ जाएगा गाइज। दिस वॉज ऑल अबाउट द वीडियो, तब गाइज बाय बाय, नमस्कार गाइज, जय हिंद टू ऑल, मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।